गाइस वेलकम बैक माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद में मैंने वीडियो बनाया है ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ तो ये है कि जो नेट एग्जाम होने वाली थी 12, 13 और 14, उसके अभी तक भी एडमिट कार्ड्स नहीं पहुंचे हैं। तो ये भी एक टेंशन जैसी बात है कि कब आने वाले हैं, पोस्टपोन होगी या एग्जाम होगी। इस कारण से मेरा जो वीडियो मेकिंग था वो रुक गया था थोड़े दिन के। अभी ट्राई करूंगी कि रेगुलर हो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम बटलर यीट्स की एक ब्यूटीफुल पोइम द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग जो पोइम है उसके अंदर यीट्स ने अपने आइडियाज शेयर किए हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा समाज का पतन हो रहा है, मतलब एक पतन से एक भविष्यवाणी की तरफ इसमें विचार व्यक्त किए गए हैं कि हमारा जो समाज है वो ऐसा हो चुका है कि जो एक नेताओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं दूसरों पे देने लग गए हैं, एक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे दूसरी को फॉलो करने लगे हैं, उनके जो विचार है उनके अंदर धार्मिकता खत्म हो गई है। और ये तो हम जानते हैं, जो भी इंग्लिश पोइट्स होते हैं वो क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इसमें एक ईसाई धर्म के बेसिस पे ही एक भविष्यवाणी की गई है कि जो ये समाज का पतन हो रहा है, इस समाज के पतन के लिए अभी यीशु मसीह आएंगे, सेकंड जन्म लेंगे और इस समाज का उद्धार करेंगे। इस पोइम का जो समरी हम देखें या कंक्लूजन मीनिंग देखें तो वो यही है कि जो हमारे समाज का पतन हो रहा है उसका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आएंगे और इस समाज को पतन से उत्थान की ओर लेके जाएंगे, उत्थान की ओर लेके जाएंगे। और जो ये पतन हो रहा है इसका जो कारण है वो लोगों की सोच है, वो लोगों की विचारधारा है, क्योंकि वो धार्मिकता से परे हो गए हैं और अभी उस धार्मिकता में लाने के लिए अभी यीशु मसीह को सेकंड जन्म लेना पड़ेगा। इसी बेसिस पे इस पोइम का जो नाम पड़ा वो पड़ा द सेकंड कमिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। दैट इज द सेकंड कमिंग इज अ पोइम रिटन बाय इरिस पोएट डब्ल्यू बी यीट्स इन 1919, फर्स्ट प्रिंटेड इन द डायल इन नवंबर 1920 एंड आफ्टरवर्ड्स इंक्लूड इन हिज 1921 कलेक्शन ऑफ वर्सेज माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। ओरिजिनली पब्लिश हुई थी नवंबर 1922। सेकंड कमिंग इज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन नवंबर 1922। इट्स ए इम्पोर्टेंट ओरिजिनल। इसका लैंग्वेज इंग्लिश है और इसमें लाइन्स 22 है और इसका जो फॉर्म है ये है लिरिक पोएट, ये लिरिक पोएट्री है। द सेकंड कमिंग इज वन ऑफ डब्ल्यू वी यीट्स मोस्ट फेमस पोएट्स रिटन इन 1999। और ये पोइम कब लिखी गई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने हो गया था उसके जस्ट बाद में 1919 में ये लिखी गई थी, सून आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इट डिस्क्राइब्स ए डीपली मिस्टीरियस एंड पावरफुल अल्टरनेटिव टू द क्रिश्चियन आइडिया ऑफ द सेकंड कमिंग। मिस्टीरियस यानी रहस्य से भरा हुआ। जीसस प्रोफेस्ड रिटर्न टू द अर्थ एज ए सेवियर अनाउंसिंग द किंगडम ऑफ हेवन। ये मैंने आपको पहले ही बताया है इसका कंक्लूजन कि यीशु मसीह को क्यों आना पड़ेगा, एज ए सेवियर आना पड़ेगा, क्योंकि जो ये समाज पतन की ओर जा रहा है उसका उत्थान करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ेगा और एज ए सेवियर आना पड़ेगा, अर्थ पे आना पड़ेगा। और जो ये किंगडम था वो हेवन किंगडम से तो वो आएगा, अर्थ पे आके भी वो एक जो एरिया है उसको एज ए हेवन बनाने के लिए आएंगे। मेजर थीम्स क्या है इस पोइम की, मेजर थीम्स ऑफ द सेकंड कमिंग वायलेंस प्रोफेसी एंड द मीनिंगलेसनेस आर द मेजर थीम्स फोरग्राउंडेड इन दिस पोइम। यीट्स emphasizes that the present world is falling apart and a new ominous reality is going to emerge. ये भी मैंने आपको इन कंक्लूजन बता दिया है। इसमें जो आयरनी यूज की गई, एक व्यंग्य किया गया है किस पे, समाज पे जो कि पतन की ओर जा रहा है। दैट इज ए स्पिनिक्स इजंट ए क्रिश्चियन सिंबल सीम्स टू बी pitiless and malevolent, the second coming is supposed to be benevolent. Desert landscape signifies that new era is one that is lifeless and dry.
Yeats believed that history is cyclical and the second coming, a two-stanza poem, is blank verse. With its imagery of swirling chaos and terror prophecies, the cataclysmic end of an era. The poet repeats the idea of second coming three times that symbolizes his eager for Christ's second coming soon. The poet sees a big image of Spiritus Mundi. Though it was supposed to provide relief, the poet is troubled by seeing it. It is in desert like Sphinx at Giza and has a head of man and body of lion. इस पोइम का जो मैंने स्टार्ट में कंक्लूजन बताया है, जो मैंने ये इंग्लिश में ट्रांस बताया है, उसका जो ट्रांसलेशन अगर हम करना चाहें तो वो यही है कि जो समाज है हमारा वो किस में घुस गया है, वो मीनिंगलेसनेस हो गया है, वो एक दूसरे के लिए ही हानिकारक हो गया है। और इसी कारण, इसी विचारधारा के कारण जो हमारा ये समाज है जो कभी एक अच्छा हुआ करता था वो पतन की ओर जा रहा है। और उस समाज को बचाने के लिए, पतन से उत्थान की तरफ ले जाने के लिए कभी ना कभी या इस टाइम एक भविष्यवाणी के तौर पर पोइट कहते हैं कि जो यीशु है वो आएंगे, और कैसे आएंगे, एज ए सेवियर, और हमारे समाज को बचा के पतन से उत्थान की तरफ ले जाएंगे। तो ये थी पोइम द सेकंड कमिंग। आई ट्राई माई बेस्ट, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हर बार मैं एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।